नमस्कार दोस्तों, आर्टिफिशियल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत क्लास 8 की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 37। तो आइए देखते हैं आज का हमारा 37 क्वेश्चन है। एक वृत्त बनाओ जो दिए हुए वृत्त ए और बी को 90 डिग्री पर स्पर्श करता हुआ घेरे, जबकि इनके केंद्र दूर स्थित हो। तो आइए अब देख लेते हैं इस 37 एंगल को विस्तार से। सबसे पहले आपने दो ए और बी असमान वृत्त आपने ले लेने हैं, और जो कि थोड़ी दूरी पर स्थित हो, तो इस तरह से आपने दो वृत्त आपने ले लेने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों वृत्तों के सेंटर को आपस में मिला देंगे। तो आपने स्केल की सहायता से इन दोनों ए और बी को आपस में मिला लेना है, और मिलाते हुए आपने इनको आगे और मतलब आपने इनको परिधि तक आपने उसको मिलाना है, मतलब आपने ए और बी की परिधि तक आपने इनको मिलाना है, आगे भी और पीछे की तरफ भी आपने इनको बढ़ाना है, जो कि परिधि तक इसको आपस में मिले। तो जहाँ पे जो आपका स्मॉल वाला ए है, ए वृत्त है, उसको ये वाला यहाँ पे बिंदु आर पे परिधि पे जा रहा है, और जो बी है वृत्त आपका, वो बिंदु एस पे आप यहाँ परिधि पे मिल रहा है। तो उसका नाम आर और एस हमने रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों आर और एस का संद्विभाजन करना है। तो आपने आर और एस का संद्विभाजन करना है, तो आर आपने हाफ से ज़्यादा प्रकार खोल लेनी है, और एक चाप लगानी है एस से, और दूसरी चाप जो लगेगी आपकी वो लगेगी आपकी आर से, और दोनों चापें आपस में जहाँ पे कट कर रही है उसको आपने आपस में मिला लेना है। जैसा कि आपको पता है आप हर एंगल में संद्विभाजन कर रही हैं, तो फिर और ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन आपकी डॉटेड लाइन यानी कि दानेदार लाइन आपकी ये आ जाएगी इस तरह से, और जो आर और एस रेखा को बिंदु ओ पे, ये वाला बिंदु आपका ओ बिंदु आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ओ पे हमने अब प्रकार रखनी है, और आर या एस के बराबर आपने खोल देनी इस तरह से, और इस तरह से आपने एक वृत्त को आगे बढ़ा देना है। तो इस तरह से ये वाला एंगल आपका बन जाता है।